आखिर तीनों खान फिल्मों में एक साथ काम क्यों नहीं करते और बिस्किट में ये छेद क्यों होते हैं और मोबाइल को रात भर चार्जिंग पे लगाया जाए तो क्या होगा, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। नंबर 10, दोस्तों आपने भी बहुत सारे बिस्किट में यह छेद तो देखे ही होंगे। कई लोगों को तो यह केवल डिजाइन ही लगता है लेकिन इसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। दरअसल बिस्किट में यह छेद जानबूझ कर किए जाते हैं ताकि बिस्किट को जब पकाया जाए तो वह अंदर और बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से पक सके और वह क्रंची बिस्किट में आ सके, जिससे उसे खाने में ज्यादा मजा आता है, इसलिए बिस्किट में है छेद किए जाते हैं। नंबर 9, नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक फिल्म वेरोनिका दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म मानी जाती है। नेटफ्लिक्स का कहना है कि 100 में से एक ही बंदा इस फिल्म को पूरा देख पाते हैं। लोगों का कहना है कि इस फिल्म को देखकर कमजोर दिल वालों की मौत भी हो जाती है। नंबर 8, कैंसर के मरीज के बाल आखिर क्यों झड़ जाते हैं। कैंसर के मरीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर कीमोथेरेपी दवाई का उपयोग करते हैं। कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को तेजी से नष्ट करता है और उन दवाइयों का असर शरीर पर भी होता है, जिससे बाल झड़ जाते हैं। कीमोथेरेपी दवाई यूज करने से ही बाल झड़ जाते हैं। नंबर 7, आइए जानते हैं कि YouTube में कितनी पावर है। आज 2022 के समय में भारत के कई घरों में इंटरनेट के पावर को नहीं माना जाता है। भारतीय यूट्यूबर टेक्निकल गुरुजी आज करोड़ों के मालिक हैं। रोल्स रॉयल, BMW, रेंज रोवर, 10 से ज्यादा कार गुरुजी के पास हैं। इनका दुबई में बंगला है। इनकी महीने की इनकम करोड़ों में है। इनकी संपत्ति गूगल पर 300 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। नंबर 6, आप भी WWE देखते हैं तो आपने ये वीडियो तो जरूर ही देखा होगा। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। ये लड़का कैंसर से पीड़ित था। इसकी आखिरी इच्छा थी कि यह HHH से फाइट करे और HHH ने इसकी ये इच्छा पूरी की। नंबर 5, आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन तो जरूर होगी कि मुर्गी पहले आई या अंडा। वैज्ञानिकों ने अंत में निष्कर्ष निकाला कि मुर्गी पहले आई, क्योंकि अंडे को जो प्रोटीन बनाता है वह केवल मुर्गियों द्वारा ही निर्मित होता है। नंबर 4, साउथ के सुपरस्टार और स्टार माने जाने वाले अल्लू अर्जुन अब सिर्फ साउथ के सुपरस्टार नहीं बल्कि पूरे इंडिया के सुपरस्टार बन चुके हैं, क्योंकि इनकी पुष्पा रिलीज के पहले दिन ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। आपको बता दें कि पुष्पा ने इंडिया में पहले दिन ही 71 करोड़ रुपए की ताबड़तोड़ कमाई की है। आज तक किसी भी बॉलीवुड स्टार ने अपनी मूवी को इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं दिलवा पाई है। नंबर 3, जिम्मी डोनाल्डसन एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके मिस्टर बीस्ट यूट्यूब चैनल पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा हैं। ये मजेदार वीडियो के लिए जाने जाते हैं। इनकी कुल संपत्ति यूट्यूब से 185 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 2, दोस्तों वैसे तो अक्सर हमारे साथ होता है कि हम मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर भूल जाते हैं, लेकिन क्या रात भर मोबाइल चार्जिंग पर लगाने से मोबाइल की बैटरी खराब हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि रात भर मोबाइल चार्जिंग करने से विस्फोट हो जाएगा या फिर बैटरी खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल के फोन में लिथियम आयरन बैटरी आती है, जो चाहे तो आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाकर कई महीनों तक छोड़ सकते हैं, आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा। नंबर 1, दोस्तों आप फिल्में तो देखते ही होंगे और आप तीनों खान यानी सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान को भी जानते होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर ये तीनों खान किसी भी फिल्म में एक साथ काम क्यों नहीं करते, तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आप यह तो जानते ही होंगे कि यह तीनों एक्टर बॉलीवुड में सबसे महंगे एक्टर में से हैं। दरअसल दोस्तों सलमान खान एक फिल्म का लगभग 55 करोड़ चार्ज करते हैं, वहीं शाहरुख खान एक फिल्म का 45 करोड़ लेते हैं, वहीं आमिर खान एक फिल्म का 50 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और इतने महंगे तीनों एक्टर को एक साथ लाना किसी भी प्रोड्यूसर के बस की बात नहीं, और अगर किसी तरह कोई प्रोड्यूसर इन दोनों को एक साथ ले भी आता है तो इन तीनों का शूटिंग टाइम अलग अलग है। किसी को दिन में शूट करना अच्छा लगता है, किसी को रात में शूट करना अच्छा लगता है। यही वजह है कि हम इन तीनों एक्टर्स को एक साथ नहीं देख पाते।